24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो 30 मिनट की है अपने साथ 36 यात्री 6 क्रू मेंबर्स के अलावा एक हाईजैकर डी बी कूपर को लेकर उड़ती है। किसी को मालूम तक नहीं था कि उनके बीच एक हाईजैकर है जो जानबूझकर प्लेन की आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। प्लेन के उड़ते ही ये आदमी एयर हॉस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को एक नोट देकर कहता है, माई सेल्फ डैन कूपर। उसके दिए नोट में साफ लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है। पर एयर हॉस्टेस को ये मजाक लगा तो कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखा दिया। उसने $2,00,000 कैश की डिमांड रखी, जिसके साथ 2 पीछे के पैराशूट और 2 आगे के पैराशूट भी उसे चाहिए। साथ ही बोला कि कुछ भी चालाकी मत करना, वरना मैं इस पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ा दूंगा। पैनिक ना हो इसलिए एयर हॉस्टेस शांति से वो नोट ले जाकर पायलट को दिखा देती है। दूसरी एयर हॉस्टेस टीना कूपर के बगल में जाकर बैठ जाती है। पायलट खबर को एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब तक पहुंचाते हैं, जो कूपर की सारी बात मानने को तैयार हो गए और FBI के साथ बैंक को कैश अरेंज करने के लिए बोला गया। बैंक के पास एक खास तरह के नोट का फंड मौजूद था। पैसों का इंतजाम होने तक फ्लाइट को सिएटल शहर के ऊपर ही नचाया गया और 30 मिनट की फ्लाइट को अब 3 घंटे हो चुके थे। किसी भी पैसेंजर को अभी तक पता ही नहीं था कि वहां हो क्या रहा है, उन्हें तो बस माइनर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले ही बताया गया। फाइनली 5:46 पर सिएटल में प्लेन लैंड करता है और कूपर के निर्देशानुसार उस तक 4 पैराशूट और $2,00,000 कैश से भरा बैग पहुंचाया गया। अब कूपर ने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को उतरने दिया। अब प्लेन दोबारा से हवा में उड़ता है। कूपर पायलट को स्पीड, एंगल और कितनी हाइट पर प्लेन उड़ेगा ये बताता है और वो मेक्सिको सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब शुरू होता है इंटरेस्टिंग पार्ट। कूपर टीना से बोलता है, कॉकपिट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लो। कूपर अपने पैराशूट पहनता है और पीछे की सीढ़ियां खोल देता है। हाँ, उस समय ऐसे जहाजों में पीछे सीढ़ियां आती थीं। कूपर रात के अंधेरे में इन्हीं सीढ़ियों से छलांग मार देता है। कॉकपिट में बंद पायलट और टीना ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। बाद में कुछ संदेश ना मिलने पर पायलट प्लेन को रेनो शहर में लैंड करा देते हैं। पुलिस के आने पर उन्हें कूपर तो नहीं मिलता, बस एक टाई मिलती है, साथ में सिगरेट। सेम उसी दिन FBI ने कूपर को ढूंढना शुरू कर दिया था। 45 सालों तक नाकाम कोशिश करने के बाद ये केस 2016 में जाकर बंद कर दिया गया और इतिहास में ये एक ऐसा हाईजैक केस बन गया जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। ये केस अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था, आखिर कूपर बॉम्ब का सूटकेस या फिर पूरा का पूरा पैसा हवा में गायब कहां हो गया। FBI की इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से कूपर जिस समय कूदा था रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई ना देने की वजह से गलत लैंडिंग होने से उसकी मौत हो गई होगी, क्योंकि वहां ठंडा पानी, जंगल और जंगली जानवरों का एरिया था। पर इस चोरी के बाद ठीक इसी ढंग से हुई 5 चोरियां, जिनके चोर ऊंचाई से कूदने के बाद भी बच गए, और ये हमें इसलिए पता लगा क्योंकि इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसा होते ही अब वापस से पुलिस कूपर की तलाश तेज कर देती है, पर उन्हें कोई भी सुराग तक हाथ नहीं लग रहा था। बैंक ने कूपर को दी गई करेंसी के नोट के सभी सीरियल नंबर अपने पास रखे थे, इसलिए उन्होंने इनाम की घोषणा की कि कोई भी ऐसा नोट लाएगा तो $20 के नोट के बदले उसे $3,000 दिया जाएगा। पर 3 साल तक चले इस ऑफर के बाद भी रहस्य बरकरार था, क्योंकि एक भी नोट उनके पास वापस नहीं गया। और समय बीतने के साथ ये राज भी गहरा गया कि आखिर कौन था DB कूपर और वो आखिर गायब कहां हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना।